हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ मैटरनिटी बेनिफिट पे बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेक्शन 10 तक डिस्कस किया था, और आज मैं सेक्शन 11 से लेकर इस कानून के लास्ट तक डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे प्रोविजन रह गए हैं और आज ये लास्ट पार्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, पार्ट नंबर 4। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। वहां पे मैंने लेबर लॉ के कंप्लीट प्लेलिस्ट की, जिसमें ऑलमोस्ट 70 वीडियोस होने वाली हैं, उसकी लिंक दे रखा है। उसके अलावा सीआरपीसी के ऊपर मेरी 36 वीडियोस अवेलेबल है, एविडेंस पे 5-6 वीडियोस अवेलेबल है। उसके अलावा कंपनी लॉ पे, कॉम्पिटिशन लॉ पे, एनवायरमेंट लॉ पे मेरा कॉन्टेंट अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक करना। और उसके अलावा आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके जो भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि क्या क्या लॉ का मटेरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जरा सेक्शन 11 से शुरू करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है नर्सिंग ब्रेक को लेकर। अभी नर्सिंग ब्रेक का लॉजिक समझिए पहले, कि जो भी वुमेन जिसने अभी बच्चे की बच्चे को डिलीवर किया है, तो जिसके अभी बच्चा हुआ है, वो जब अपनी ड्यूटी पे रिटर्न होती है तो उसको इंटरवल रेस्ट, तो देखिए इंटरवल रेस्ट इंटरवल तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा उसको नर्सिंग ब्रेक भी दिया जाएगा अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। कम से कम 2 ब्रेक उसको मिलेंगे जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि पहले साल सवा साल बच्चे को एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, और अगर वो एक्स्ट्रा केयर नहीं दे मदर उस बच्चे को, तो उसमें बच्चा मैल नरिश हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अदर कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए सेक्शन 11 ने कह रखा है कि जब भी एक वुमन को बच्चा होता है, उसके बाद अगर वो जॉब पे जाती है, तो रेस्ट इंटरवल जो है उसके अलावा उसको अपने डेली वर्क के दौरान 2 ब्रेक अलाउड होगा, जिसके अंदर वो बच्चे की नर्सिंग के लिए, जिसमें अपने बच्चे को जाके देख सकती है 15 महीने की उम्र तक अपने बच्चे को नर्सिंग ब्रेक का यूज करके 2 नर्सिंग ब्रेक एक दिन में उसको मिल जाएगा। अब आते हैं हम नए सेक्शन पे, जो कि हमारा 2017 की अमेंडमेंट है, सेक्शन 11A, क्रेच फैसिलिटी। अगर आप लोगों ने मेरी फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर भी क्रेच के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, फैक्ट्रीज एक्ट की 13-14 वीडियोस अवेलेबल है। तो ये वाला जो क्रेच फैसिलिटी है, ये 2017 की आपकी अमेंडमेंट है 11A। फैक्ट्रीज एक्ट में अभी भी ये मिल जाएगा आपको, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे क्रेच की फैसिलिटी दी जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेच की फैसिलिटी क्या होती है। क्रेच एक ऐसी जगह होती है जहां पे बच्चे की देखभाल करने के लिए वहां पे लेडीज होती है पहले से, जाके आपका अगर छोटा बेबी है तो उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। तो क्रेच फैसिलिटी में ये हुआ कि आपका बच्चा उतनी ही देखभाल से रखा जाएगा, वहां पे कोई दूसरी लेडीज उसको देखभाल से रखेगी, दैट इज द फैसिलिटी ऑफ क्रेच। अब सवाल आता है कि एम्प्लॉयर कितनी विजिट क्रेच में मदर को अलाउ करेगा एक दिन के अंदर। तो एक दिन के अंदर मदर 4 विजिट्स कर सकती है क्रेच में, 4 विजिट्स पर डे क्रेच के अंदर। ध्यान रखना, इसके अंदर उसका इंटरवल का जो रेस्ट का जो इंटरवल है ना, रेस्ट इंटरवल वो भी अलाउड है, ध्यान रखना ये चीज। ये अलग से नहीं है, 4 विजिट कर सकती है, 4 विजिट के दौरान वो रेस्ट इंटरवल उसका एक पार्ट बनेगा। दूसरा, हर एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो राइटिंग में वुमेन को इन्फॉर्म करे, राइटिंग में वुमेन को इन्फॉर्म करे जो भी बेनिफिट उस वुमेन को इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में मिलने वाला है, जिसके अंदर वो काम करने वाली है, तो उसको इन्फॉर्म करे राइटिंग में। इलेक्ट्रॉनिकली मेल भी कर सकती है, कंडीशंस ऑफ सर्विस के अंदर अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो बनाते हैं, जो कंडीशंस ऑफ सर्विस बनाई जाती है, उसमें नीचे 2 क्लॉज डाल के ये चीज मेंशन करी जा सकती है, दैट विल बी सफिशिएंट। नाउ कमिंग अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 12। उसके बाद सारे छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये लॉ खत्म हो जाएगा। डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कभी भी एक वुमेन वर्क से एब्सेंट है और उसका रीजन क्या है कि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है, तो वो उसका एम्प्लॉयर अगर उसको डिस्चार्ज कर देता है जॉब से या डिसमिस कर देता है जॉब से, तो क्या वो लीगल है? लॉ कहता है नो, इट इज अनलॉफुल। क्योंकि लॉ कहता है कि जब कभी भी एक वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट की लीव पे है,
जो उसको कानून के अंदर मैंडेटरी मिली हुई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, तो उस टाइम पे डिस्चार्ज या डिसमिस एक एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो दैट इज अनलॉफुल, ये क्लियरली पर्टिकुलरली उसके अंदर मेंशन है। दूसरा, उसके डिसएडवांटेजेस के लिए, वुमेन के डिसएडवांटेज के लिए, मतलब वुमेन के फेवर में नहीं, वुमेन के अगेंस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस को भी नहीं बदल सकता, ये चीज भी ध्यान रखना, वुमेन के अगेंस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस को भी बदल नहीं सकता जब एक वुमेन एब्सेंट है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, सबसेक्शन टू, मान लीजिए एक वुमेन को वो डिस्चार्ज या डिसमिस करता है, और अगर वो डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं होती तो उसको मेटर्निटी बेनिफिट या मेडिकल बोनस, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो मेडिकल बोनस के बारे में, जिसके अंदर 1000 रुपए का मेडिकल बोनस सेक्शन 8 में मिलता था, जो मैक्सिमम 20,000 तक गवर्नमेंट सेट कर सकती है, तो वो मेडिकल बोनस या मेटर्निटी बेनिफिट उसको मिलता मगर उसको डिस्चार्ज या डिसमिस करने की वजह से नहीं मिला, तो उस केस में उसको मेडिकल बोनस या मेटर्निटी बेनिफिट फिर भी मिलेगा, मतलब कि द वुमेन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड, द वुमेन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हर मेडिकल बोनस, द वुमेन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हर मेटर्निटी बेनिफिट, अगर उसको डिसमिस करा जा रहा है किसी भी टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान, और डिसमिस अगर नहीं करते तो मेडिकल बेनिफिट, जो मेटर्निटी बेनिफिट या मेडिकल बोनस है वो देना पड़ता, तो वो अभी भी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, उसकी लायबिलिटी अभी भी बनेगी एम्प्लॉयर के ऊपर, एंड द वुमेन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेनिफिट बीइंग कन्फर्ड अपॉन हर। नाउ कमिंग अपॉन द प्रोवाइजो, देखिए प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए एक वुमेन ग्रॉस मिसकंडक्ट करती है, ग्रॉस मिसकंडक्ट के अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जो एस्टैब्लिशमेंट या उस फैक्ट्री या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट्रीमेंटल हो, हार्मफुल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को हैवी मॉनेटरी लॉस करे, उसमें फ्रॉड कर देती है, कोई भी वॉयलेंस अगर वहां पे क्रिएट कर देती है वुमेन, ऐसा कोई भी ग्रॉस मिसकंडक्ट अगर वुमेन कंडक्ट करती है, तो एम्प्लॉयर उस वुमेन को राइटिंग में एक नोटिस लिख के देगा और उसको उसके मेडिकल बेनिफिट, मतलब मेटर्निटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस दोनों से डिप्राइव कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक्सेप्शन वर्क तब करता है जब वुमेन पे ग्रॉस मिसकंडक्ट के चार्जेस हो, ये चीज ध्यान रखना। अब सवाल आता है कि मान लीजिए एक वुमेन को मेटर्निटी बेनिफिट नहीं दे रहा, मेडिकल बोनस नहीं दे रहा, या फिर उसको रिमूव कर दिया ग्रॉस मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग, तो उस केस में वुमेन के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो जब ही भी ये ऑर्डर पास होगा उसको डिसमिस करने का, उसको डिस्चार्ज करने का, तो वहां से 60 डेज के अंदर, याद रखना आपके ऑब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 60 डेज के अंदर वुमेन उसके खिलाफ अपील करेगी अथॉरिटी में, वुमेन इसके खिलाफ अपील करेगी, और जो भी अथॉरिटी डिसाइड करेगी दैट पर्टिकुलर डिसीजन शैल बी फाइनल। कि वो क्वेश्चन क्या है अथॉरिटी के पास, कि क्या वुमेन को मेटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या वुमेन को मेडिकल बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 60 डेज के अंदर जब भी वो डिसमिसल डिस्चार्ज का ऑर्डर पास हुआ, वहां से 60 डेज के अंदर वुमेन शैल फाइल एन अपील टू द अथॉरिटी, देन द अपील, द अथॉरिटी शैल डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बेनिफिट शैल बी कन्फर्ड अपॉन द वुमेन और नॉट कन्फर्ड अपॉन द वुमेन, और वो जो फैसला करेगी, द डिसीजन बाय टेकन बाय द अथॉरिटी शैल बी फाइनल, ये चीज ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सेक्शन 13 पे। देखिए सेक्शन 13 बात करता है नो डिडक्शन इन वेजेस। आप एक वुमेन की वेजेस को डिडक्ट नहीं कर सकते, किस ग्राउंड पे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला ग्राउंड है सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 का ग्राउंड। अगर आपको ध्यान होगा कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 जब मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था ना कि कई बार कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसे होते हैं जहां पे हार्ड वर्क और लॉन्ग स्टैंडिंग आवर वुमेन को काम करना पड़ता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट है मेटर्निटी बेनिफिट में जिसमें मैंने बताया था। तो अगर कभी भी आर्डुअस या फिर बहुत हार्ड वर्किंग, फिजिकली टायरिंग और एग्जॉस्टिंग नेचर का काम है ना, तो वहां पे वुमेन अगर काम कर रही है, वो छुट्टी चाहती है, तो इस ग्राउंड को लेके क्या इंप्लॉयर वुमेन की वेजेस को डिडक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। सेक्शन 13 प्रोहिबिट करता है, तो सेक्शन 4 क्लॉज सबसेक्शन 3 के अंदर जो बात है उसका ग्राउंड लेके डिडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए एक वुमेन नर्सिंग ब्रेक ले रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली काम पे असर पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स उसके रिड्यूस हो गए, एक्चुअल वर्किंग आवर, तो क्या इस ग्राउंड पे वुमेन का वेजेस डिडक्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। तो मतलब कि ये दोनों ग्राउंड्स को यूज करके एक एम्प्लॉयर वेजेस को, किसकी वेजेस को? वुमेन की वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकता, डिडक्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट सेक्शन 13 सेज।
नाउ कमिंग अपॉन द मिसलेनियस सेक्शन जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे आपके, सेक्शन 14 इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक्ट में इंस्पेक्टर्स होते हैं, अपॉइंट कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट कौन सा है। जैसे रेलवेज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, मगर कोई अदर स्टेट में काम करने वाली एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। पावर क्या है, तो सेक्शन 15 में इंस्पेक्टर की पावर और ड्यूटी, इंस्पेक्टर की पावर और ड्यूटी लगभग हर कानून में सेम है। सिंपल बता देता हूं कि वो किसी भी जगह उस साइट पे जा सकता है रीजनेबल टाइम पे, वहां जाके छानबीन कर सकता है, वहां के रजिस्टर्स को देख सकता है, रिकॉर्ड्स को देख सकता है, रजिस्टर्स को देख सकता है, रिकॉर्ड्स को देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है उस जगह पे, किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, एम्प्लॉयर से बोल सकता है कि वो जो भी वुमेन एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रही है उनकी डिटेल दें, उनका एड्रेस प्रोवाइड करें, उनको आपने कितना कितना पेमेंट प्रोवाइड करा है वो प्रोवाइड करें। तो वो चीज है, अगर मान लीजिए किसी वुमेन ने एप्लीकेशन दी इंस्पेक्टर को कि सर मेरी पेमेंट अभी एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, तो वो एप्लीकेशन के बेसिस पे वहां पे छानबीन कर सकता है, रिकॉर्ड्स की कॉपी अपने पास रख सकता है। तो ये सारी पावर इंस्पेक्टर को मिलती है और ये लगभग हर कानून के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 16, इंस्पेक्टर्स पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहां लिखी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 21 के अंदर। हर जगह पे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन का जो कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा ना, लेबर लॉ हो या फिर कोई भी दूसरा कानून हो, वहां पे सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड का जिक्र आपको मिलेगा ही। अब बात करते हैं सेक्शन 17, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट। देखिए इंस्पेक्टर सिर्फ छानबीन ही नहीं करता, कई बार अगर उसके पास केस आता है जहां पे इंप्लॉयर ने अपने वुमेन इंप्लॉय को पैसा नहीं दिया, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया, उसको डिनाई कर दिया या उसको डिस्चार्ज कर दिया या उसको डिसमिस कर दिया, मान लीजिए उसको पेमेंट करी नहीं, पेमेंट करी है नॉन पेमेंट, या फिर उसको डिस्चार्ज या डिसमिस कर दिया, दो ग्राउंड्स बता रहा हूं मैं, सेक्शन 17 में मेंशन है, पैसा नहीं दे रहे या डिस्चार्ज कर दिया, तो उस केस के अंदर ध्यान रखना वुमेन किसको कंप्लेंट करेगी, वुमेन शैल फाइल अ कंप्लेंट, अपना पैसा तो चाहिए ना या फिर डिस्चार्ज किया, तो इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर देगी। इसका मतलब अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंस्पेक्टर एक तरीके की आपकी अथॉरिटी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इंस्पेक्टर क्या करेगा वो सुनिए, इंस्पेक्टर सुओ मोटो भी काम कर सकता है खुद से या फिर किसी कंप्लेंट के रिसीव होने पर, मतलब इंस्पेक्टर जो कॉग्निजेंस लेगा, सीआरपीसी अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, कॉग्निजेंस डिटेल में 36 वीडियोस मेरी आपको सीआरपीसी पे मिल जाएगी। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी इंस्पेक्टर ले सकता है या फिर कंप्लेंट के ऊपर जो वुमेन ने फाइल किया है वहां पे ऑर्डर दे सकता है कि इंप्लॉयर आप पैसे दीजिए, पॉइंट नंबर वन डायरेक्ट द पेमेंट, पॉइंट नंबर टू कि अगर उसको डिस्चार्ज किया गया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर ऑर्डर, मतलब उसको रीइंस्टेट भी करवा सकता है चाहे तो, अगर अनलॉफुल तरीके से डिस्चार्ज किया है इंप्लॉयर ने उस वुमेन इंप्लॉयर को तो उसको नौकरी पे दोबारा रखवा दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या इस ऑर्डर के खिलाफ, जो ये ऑर्डर पास होगा, ये इंस्पेक्टर ऑर्डर पास कर सकता है, क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती है, कैन द अपील बी फाइल्ड, द आंसर इज यस। अपील की डेट याद रखना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, मतलब कि ऑर्डर पास होने की डेट से नहीं है, जब उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है उसको कम्युनिकेट करा है हमने ऑर्डर, ऑर्डर जब उसको कम्युनिकेट करा है वहां से 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 का ये लास्ट वाला पॉइंट, वहां से 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, और जो भी अथॉरिटी का डिसीजन होगा फाइनल, उसके बाद वो फाइनल रहेगा, ध्यान रखना। दूसरा, सेक्शन 17 कहता है कि जो भी अमाउंट इसमें रिकवरी होगी वो वैसे ही रिकवरी होगी जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर होता है कलेक्टर के द्वारा, ईएसआई एक्ट के अंदर भी मैंने ये चीज बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ईएसआई एक्ट देख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 कहता है कि अगर मान लीजिए, सेक्शन 18 की हेडिंग पहले मैं आपको बता देता हूं, फोर फीचर ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट, कि अगर मान लीजिए एक वुमेन किसी एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रही है अभी, जबकि उसको एम्प्लॉयर ने परमिट कर दिया छुट्टी पे जाने के लिए, एम्प्लॉयर ने उसको कह दिया है कि भाई आप छुट्टी पे जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप छुट्टी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑथराइज्ड एब्सेंस है उसकी,
वो छुट्टी पे जाने के लिए परमिटेड है एम्प्लॉयर के द्वारा, स्टिल शी इज वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो उस केस के अंदर शी शैल फॉरफिट हर क्लेम टू द मैटरनिटी बेनिफिट उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए वहां पे वो वर्क कर रही है ना। मान लीजिए 10 दिन उसने डिस्पाइट द लीव हैज बीन ग्रांटेड, डिस्पाइट द परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉय, शी इज स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री, शी इज स्टिल वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो मान लीजिए 10 दिन उसने, एग्जांपल दे रहा हूं, 10 दिन उसने काम किया, तो ये 10 दिन का जो उसका मैटरनिटी बेनिफिट है ये फॉरफिट हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको परमिशन मिली थी रेस्ट करने की और रेस्ट करने के दौरान आपको पैसा मिल रहा था मैटरनिटी बेनिफिट, तो आप क्यों काम पे आए, क्यों आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं और क्यों आप जो होने वाला बच्चा है उसकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो इसीलिए जितने पीरियड के लिए वो वहां पे डिस्पाइट द परमिशन ऑफ लीव अगर वो काम करती है उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसका फोरफिट हो जाएगा जो उसका मैटरनिटी बेनिफिट है उस पीरियड के लिए, पूरे पीरियड के लिए नहीं, ध्यान रखना, उस पीरियड का मतलब जो परमिशन के बाद भी वो काम करने आई उस पीरियड के दौरान की बात कर रहा हूं। सेक्शन 19 कहता है कि इस कानून के जो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं वो किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगाए जाएंगे, कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाए जाएंगे। कॉन्स्पिशियस प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहां से लोग उसको आसानी से देख पाए, जैसे नोटिस बोर्ड हो गया, फ्रंट गेट हो गया, ये सब कॉन्स्पिशियस प्लेस होते हैं। तो ये एक्ट रूल के अंदर जो भी पोर्शन है ये लगाए जाएंगे वहां पे। सेक्शन 20 बात करता है रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करने की। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है वुमेन का रजिस्टर, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कब उनको पेमेंट करी है, कितने टाइम से कितने टाइम वो छुट्टी पे गई हुई थी, आपने उसको कितनी पेमेंट करी है, सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉयर को मेंटेन करना पड़ेगा। और कौन ये रिकॉर्ड चेक कर सकता है, किसके पास पावर है, इंस्पेक्टर के पास पावर है। अगला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 21 पेनल्टी की बात करता है कि अगर इंप्लॉयर कुछ कंट्रावीन कर रहा है, इंप्लॉयर अगर कंट्रावेंशन करता है तो क्या क्या पेनल्टी है, जरा समझ लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1, अगर इंप्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं पे कर रहा, अगर इंप्लॉयर ने मैटरनिटी बेनिफिट नहीं पे किया या फिर डिस्चार्ज कर दिया वुमेन को अनलॉफुल तरीके से या डिसमिस कर दिया, ऐसी गलतियां अगर इंप्लॉयर कर रहा है तो उसकी सजा भी सुन लीजिए, मिनिमम 3 months की जेल, अप टू 1 year, और फाइन है आपका मिनिमम 2000 अप टू 5000। और यहां पे ध्यान रखना कि अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट पनिशमेंट को कम भी दे सकती है या फिर पनिशमेंट की जगह पे फाइन ही लगा सकती है। और एक चीज आपको मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, यूजुअली लेबर लॉस के मैटर में ना एम्प्लॉयर को जेल नहीं होती, बहुत कम जेल होती है। क्यों, रीजन बताता हूं। अगर एम्प्लॉयर को जेल होगी तो बिजनेस बंद होने के चांसेस हो जाएंगे, बिजनेस पे थ्रेट आ जाएगा, तो वहां पे एम्प्लॉयर पे हैवी पेनल्टी डाली जा सकती है, हैवी फाइन उसको देना पड़ सकता है। तो प्रैक्टिकली है इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन हर कानून में आपको मिलेंगे, मगर अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे तो वहां पे यूजुअली इम्प्रिजनमेंट नहीं होती एम्प्लॉयज को, उसको हैवी पेनल्टी देनी जरूर पड़ती है। अगला कैटेगरी सेक्शन 21 के अंदर ही हूं मैं। अगर मान लीजिए किसी दूसरे रूल का, मतलब इसके अलावा अगर किसी सेक्शन का कंट्रावेंशन एम्प्लॉयर कर रहा है जिसके लिए कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है, कंट्रावेंशन है मगर कोई पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी मेंशन नहीं है लॉ के अंदर किसमें कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, तो वहां पे अप टू 1 year की सजा और अप टू 5000 का फाइन देना पड़ सकता है, याद रखना, ठीक है। तो अप टू 1 year की सजा और अप टू 5000 का फाइन। अब मान लीजिए कि मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग कंट्रावेंशन था और मैटरनिटी बेनिफिट अभी तक रिकवर नहीं हुआ, तो ध्यान रखना मैटरनिटी बेनिफिट तो रिकवर करेंगे और उस मैनर में रिकवर करेंगे जैसे फाइन रिकवर कर रहे थे, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट रिकवर नहीं हुआ तो इसके दौरान मैटरनिटी बेनिफिट भी रिकवर कर लेंगे आपसे। अब सेक्शन 22 पे आते हैं। सेक्शन 22 कहता है, पेनल्टी का ही सेक्शन है आपका, कि अगर आप इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, अगर आप, तो आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वहां पे आपको अप टू वन ईयर, इंस्पेक्टर एग्जामिन कर रहा है, आप एग्जामिन नहीं होने दे रहे, रिकॉर्ड फैसिलिटेट नहीं करा रहे, उसको रजिस्टर प्रोवाइड नहीं करा रहे, ठीक है, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो कि वो आप, मतलब वो आप उसके किसी आंसर को देने से मना कर रहे हो, तो अप टू 1 year और अप टू 5000 का फाइन, और बोथ ऑब्वियसली ये दोनों आपको हो सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग बात करता है।
सबसे पहले यहां पे जो कॉग्निजेंस होगा या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मतलब कि इन मैटर्स में जो पेनल्टी के मैटर में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा तो वो एमएम लेगा या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, उससे नीचे नहीं लेगा। अब कॉग्निजेंस किसके कंप्लेंट पे लिया जा सकता है, तो ऑब्वियसली वुमेन कंप्लेंट करेगी उसके कंप्लेंट पे जो एग्रीव्ड वुमेन है जिसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिला है, जो भी एग्रीव्ड वुमेन है, या फिर ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। आपके ट्रेड यूनियन का कानून मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं प्लीज। ट्रेड यूनियन जिसकी वुमेन मेंबर है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की, वो कंप्लेन फाइल कर सकती है, या फिर इंस्पेक्टर कंप्लेन फाइल कर सकता है। मतलब कि ये सारे लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसकी कोर्ट में, एमएम की कोर्ट में या फिर जेएम वन की कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में। पॉइंट नंबर टू, कंप्लेंट कब तक फाइल करनी है, विद इन वन ईयर फाइल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन वन ईयर फाइल करनी है कंप्लेंट। मतलब कि अगर जब से मतलब वो ऑफेंस कमिट हुआ है, जब से उस ये एलेज किया जा रहा है कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां से एक साल के अंदर या तो एग्री वुमेन या तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसकी वुमेन पार्ट है, मेंबर है, या फिर इंस्पेक्टर, विद इन वन ईयर कंप्लेंट फाइल करेगा। किसके पास कंप्लेंट फाइल करेगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जेएम वन के पास कंप्लेंट फाइल करेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर विद इन वन ईयर नहीं करते हैं तो आपको उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, आपको नहीं करने दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन 24, जो भी यहां पे सूट प्रोसिक्यूशन होगा और वो गुड फेथ में होगा, मतलब ऑब्वियसली किसी गुड फेथ पे किया गया, किसी बेटर रीजनिंग पे किया गया कि मैटरनिटी बेनिफिट पे नहीं किया जा रहा था, डिसमिस कर दिया गया, उस बेसिस पे किया है, तो उसके खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग फाइल नहीं करी जा सकती। मतलब कि कोई भी प्रोसीडिंग जो सूट प्रोसिक्यूशन जो है, अगर मान लीजिए यहां पे कोई एक्शन लिया गया है जो इस कानून के रूल के अंदर लिया गया है, तो उसके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन लाइन नहीं करेगा जो भी गुड फेथ में फाइल किया गया, याद रखना। सेक्शन 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, वो डायरेक्शन दे सकती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। सेक्शन 26 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे तो किसी, सेक्शन 26 की बात कर रहा हूं, ऐसे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन यहां पे शर्त है। सेक्शन 26 कहता है कि हम आपको एग्जेम्प्ट तब कर रहे हैं जब आप ऐसे कुछ मेटर्निटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमसे लेस फेवरेबल नहीं है। मतलब कि उतना ही मेटर्निटी बेनिफिट जितने बेनिफिट जो हम कानून में दे रहे हैं आप प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर आप उससे बेहतर ही दे रहे हैं, तो हम आपको मेटर्निटी बेनिफिट के परव्यू से निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल और कोर पर्पस है वो क्या है, वो वुमेन को बेनिफिट पहुंचाना है, वो वुमेन को मेटर्निटी बेनिफिट मेडिकल बोनस देना है। तो अगर आप उतना ही फेवरेबल या उससे ज्यादा ही फेवरेबल बेनिफिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट में दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वी आर वेरी गुड विद दैट। तो वहां पे सेक्शन 26 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या फिर किसी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को या मतलब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस कानून से। अब आते हैं सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 कहता है, ये इफेक्ट ऑफ लॉज पे बात करता है, इफेक्ट ऑफ लॉज की, देखिए ये वाला कानून अप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंप्लॉयर इंप्लॉय ने क्या एग्रीमेंट कर रखा है, उनके बीच में क्या अवार्ड पास हुआ है। दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विदस्टैंडिंग एनी अवार्ड, नॉट विदस्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट। मगर अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो वुमेन को उससे ज्यादा बेनिफिट, मतलब मेटर्निटी बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो वो बेनिफिट उसको उस एग्रीमेंट के तहत मिल सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके अलावा मान लीजिए अवार्ड में बाकी बेनिफिट्स का जिक्र नहीं है, तो उन बाकी बचे हुए बेनिफिट्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि अवार्ड और एग्रीमेंट अगर बेटर बेनिफिट प्रोवाइड करता है वुमेन को तो वो चला देंगे, और अगर मान लीजिए वो दो टॉपिक पे बात करता है और बाकी दो टॉपिक पे बात नहीं करता, तो बचे हुए टॉपिक के लिए जिसमें वुमेन को बेनिफिट देना है उसमें मैटरनिटी बेनिफिट को रेफर कर लेंगे। ये कह रहा है आपका सेक्शन 27। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 28। सेक्शन 28 appropriate government को रूल मेकिंग पावर देता है, ध्यान रखना ये एक तरीके का delegated legislation है। अगर आपने administration law पढ़ा होगा तो हर जगह आपको ये delegated legislation मिल जाएगा, रूल मेकिंग पावर मिल जाएगी। तो appropriate government चाहे
तो कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कैसे ड्यूटी इंस्पेक्टर अपनी एक्सरसाइज करेगा, नोटिस किस फॉर्म में होंगे, किस तरीके का प्रूफ रिक्वायर्ड है, नर्सिंग ब्रेक का ड्यूरेशन क्या रहेगा, ग्रॉस मिसकंडक्ट के अंदर कौन कौन से एक्शन आएंगे, अपील किसके पास करनी है, कंप्लेंट कहाँ पे करनी है, किस मैनर में करनी है, किस फॉर्म में करनी है, ये सारे के रिगार्डिंग रूल बनाने का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 29, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ही है, अमेंडमेंट 1951 के लॉ की एक्ट अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बात करता है कि जो प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंदर सेक्शन 32 है ना, तो वहां पे उसके रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स हैं वो ऑमिट कर दिए गए क्योंकि मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर सब कुछ आ जाता है, प्लांटेशन वगैरह सब कवर हो जाता है। सेक्शन 30 रिपील का है। सेक्शन 30 कहता है कि जो आपका माइंस के, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि माइंस मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1941 माइंस के रिगार्डिंग अप्लाई होता था, और आपका बॉम्बे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1929 जो है वो यूनियन टेरिटरी वगैरह की फैक्ट्रीज पर अप्लाई हो जाता था। तो यूनियन टेरिटरी की फैक्ट्री पर अप्लाई होने वाला लॉ या फिर बॉम्बे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ये सारे रिपील हो चुके हैं क्योंकि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आ चुका है और अब हर जगह, हर फैक्ट्री, हर एस्टेब्लिशमेंट पे ये वाला कानून एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसके साथ आपके सेक्शंस फिनिश हो गए हैं, ये वाला लॉ फिनिश हो गया। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। चार पार्ट्स में मैंने इस कानून को बनाया है और एक एक सेक्शन, एक एक सबसेक्शन को डिस्कस किया आपके साथ, लॉजिक के साथ, बैकग्राउंड के साथ और एक एक एंट्री केसेस के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।